तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के बारे में। तो आपने खबरों में सुना होगा कि इन कंपनियों ने अभी जो है हाल ही में बहुत बड़े से जो है घाटे को जो है क्वार्टरली घाटा जो है पोस्ट किया है। तो वोडाफोन और आइडिया ने जो है इस क्वार्टर में 50,921 करोड़ का जो है घाटा पोस्ट किया है, और वहीं भारतीय एयरटेल की बात करें तो 22,830 करोड़ का जो है घाटा इन्होंने पोस्ट किया है। बीएसएनएल जो है पहले से ही बहुत बुरे घाटे में चल रही है, एमटीएनएल बंद जैसी है, और इसके बाद जो है बाकी और कंपनियां भी इस तरह के बड़े घाटे पोस्ट कर रही हैं। अब ये घाटा हो रहा है एजीआर के कारण। अब ये एजीआर जो है क्या चीज़ है, क्या जो है इस पर असर पड़ रहा है, उसको समझेंगे। तो एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो होता क्या है कि सरकार जो है इन टेलीकॉम कंपनियों को जो है स्पेक्ट्रम देती है। स्पेक्ट्रम जो है एक तरह से सैटेलाइट को यूज़ करने का लाइसेंस होता है, और उसको यूज़ करने के लिए जो है एक फ़ीस जो है सरकार को इन कंपनियों को देनी होती है। अब ये जो फीस है रेवेन्यू से कुछ शेयर के फॉर्म में ली जाती है, कि जो भी कस्टमर को चार्ज किया जा रहा है उसमें से कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट का होगा। अब एजीआर की डेफिनेशन में जो है कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सरकार का कहना है कि सारा रेवेन्यू जो भी इनकम हो रही है टेलीकॉम कंपनियों की, उसमें हमारा शेयर बनता है। अब ये जो एजीआर की डेफिनेशन तय की गई थी, ये 2005 में तय की गई थी जब मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री थे। अब ये जो एजीआर वाली चीज़ है, इस पर जो है टेलीकॉम कंपनियों की आपत्ति है। उनका कहना है कि टेलीकॉम से जो हमारे रेवेन्यू हैं उसमें तो आपका शेयर बनता है, लेकिन जो दूसरे सोर्सेस से हम कमा रहे हैं उस पर आपका शेयर नहीं बनता है। अब इसी को जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो 2015 में जो है मोदी सर की गवर्नमेंट जब आई, तो उन्होंने जो है उसकी डेफिनेशन में कुछ बदलाव किए। तो इसमें से जो डिविडेंड की इनकम मिल रही है, या कोई प्रॉपर्टी पर रेंटल इनकम मिल रही है, या अपने एसेट को बेचने पर जो इनकम मिल रही है, उसको एग्जेम्प्ट करने का इस डेफिनेशन में जोड़ दिया। तो थोड़ी सी राहत वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन 2005 से लेके 2010 के पीरियड तक तो जो है चीज़ें वही थी, पुरानी डेफिनेशन ही थी। तो वहाँ पर भी इनका जो है बड़ा सा ड्यू बन जाता है। तो इसी का केस जो है ये चल रहा था, 2005 से चल रहा था, बड़ा लंबा केस चल रहा था, सालों दशकों पुराना ये केस है। और ये जो है केस चला, कंपनियाँ गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कंपनियों के खिलाफ जो है फैसला किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क था क्योंकि स्पेक्ट्रम बेच रही है सरकार, और सरकार किन शर्तों पे बेचेगी वो सरकार खुद तय करेगी। तो सरकार ने प्रॉपर एक डेफिनेशन पहले से ही दे दी थी, और उस डेफिनेशन के आधार पे ही आपको लाइसेंस दिए गए थे स्पेक्ट्रम के। तो जो है जो कायदे से जो सरकार ने डेफिनेशन दी है उसी के आधार पे आपको स्पेक्ट्रम मिले हैं, इसलिए जो है सरकार का उस पर हक बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो है कंपनियों के खिलाफ। और अब समस्या ये हो जाती है कि जजमेंट आया बड़ी देर से, तो हमारी स्लो जुडिशरी का कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2005 का केस है, 2019 में जजमेंट आ रहा है, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अब तक आपका जितना भी बना है वो पेमेंट कर दो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी पेमेंट कर दो। अब आप सारी कंपनियों को जो है एक ही झटके में 10-12 साल का जो है इकट्ठा मांग लेते हो, और उस पर इंटरेस्ट भी मांग लेते हो, तो कंपनियों के हाल तो बुरे होने ही होने हैं। तो पुराना पेमेंट और साथ में इंटरेस्ट के साथ जो है पेमेंट का सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब ये जो बोला गया है इसी पेमेंट का जो है कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट में जो है एडजस्टमेंट किया, और वही एडजस्टमेंट के कारण जो है बड़ा सा लॉस जो है सभी कंपनियों का यहाँ पे देखने में आ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो है जियो को बड़ा सा फायदा हो जाता है। फायदा ये हो जाता है क्योंकि जियो एक नई कंपनी है, वो इतने सालों से ऑपरेट नहीं कर रही है, तो उसका कोई लंबा सा ड्यू बनता नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट बनता है। और जब से जियो स्टार्ट हुई है वो उस नई, तो जब जियो आई है जब से ऑपरेट करना शुरू किए, तो डेफिनेशन वैसे ही चेंज हो गई थी 2015 में, तो उनके लिए बड़ी सी लाइबिलिटी बनती ही नहीं है। तो इनको ना बड़ा सा कोई एजीआर ड्यू पे करना है, ना इंटरेस्ट पे करना, तो ये जो है बिल्कुल सेफ जोन में आ जाते हैं।
और बाकी कंपनियां जो इतना बड़ा अमाउंट पे कर रही हैं पहले से ही उनके ऊपर एक कर्ज है, तो वो जो है दिवालिया हालत में इस समय आ जाती हैं। और इसका पूरा पूरा बेनिफिट जो है किसको आ जाता है, जियो को, क्योंकि उसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत बड़ा है। आइडिया, वोडा, BSNL, MTNL सबको कंबाइन कर दें, इससे बड़ा जो है जियो का सब्सक्राइबर बेस बन जाता है। तो बाकी कंपनियां हो रही हैं दिवालिया, तो जियो को ऑटोमेटिक बेनिफिट मिल जाता है। अभी 5G की सर्विसेज भी स्टार्ट होनी है, बाकी कंपनियां इतनी बुरी हालत में हैं कि तो शायद वो जो है उस 5G लाइसेंस के लिए बिड ही ना कर पाए। तो जियो जो है एक फ्यूचर में जो है अच्छी सर्विसेज दे सकती है, बाकी कंपनियां नहीं दे सकती। तो ये एक तरह से जो है मोनोपोली वाली सिचुएशन जो है जियो के लिए क्रिएट कर देगी। अब ये चीज़ जो है जियो के लिए भले ही अच्छी है, पर देश के लोगों के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अगर बाकी टेलीकॉम कंपनियां बाहर हो जाती हैं तो फिर मोनोपोली की पोजीशन में जियो आएगी, तो वो शोषण करना शुरू कर देगी जनता का, ज़्यादा पैसे वो चार्ज करने लगेगी, जनता भी मजबूर होगी क्योंकि उसके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है। तो ये सब के कारण जो है डेटा महंगा होगा, कॉल रेट महंगी होगी, और इस सारी चीज़ों का असर जो है कई और चीज़ों पर भी पड़ जाएगा। तो ये बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाती है। अब ये समस्या जो है सिर्फ कंपनियों तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों के ऊपर जो है काफ़ी कुछ कर्जा है, काफ़ी कुछ पैसा जो है इन्होंने रेस किया है। तो अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्सों ने जो है 9,000 करोड़ से ऊपर जो है भारती एयरटेल हो या आइडिया हो या वोडाफोन हो, इनके डिबेंचर या कमर्शियल पेपर्स इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड जो है वो आम जनता का पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं, तो अब ये कंपनियाँ जो है डिफॉल्ट होती हैं तो जो भी इनके इन्वेस्टमेंट हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उतना जो है एडजस्टमेंट जो है फिर म्यूचुअल फंड की NAV में से होगा, यानी उतना लॉस एडजस्ट होगा। तो ये इस सब का पूरा नुकसान जो है उनको हो जाएगा, उन म्यूचुअल फंड्स को हो जाएगा और आम इन्वेस्टर को भी हो जाएगा। तो अगर वो लोगों ने ऐसी कंपनियों के म्यूचुअल फंड लिए हैं जिनमें इनका एक्सपोजर है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को भी नुकसान होगा, यानी कि आम जनता को भी नुकसान होगा। तो ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। साथ में जो है बैंकों के लिए भी ये बड़ी टेंशन है, क्योंकि बैंकों ने भी बड़ा सा कर्ज जो है इन टेलीकॉम कंपनियों को दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा SBI ने दिया हुआ है 37,000 करोड़ का, फिर HDFC बैंक ने 24,000 करोड़, इस तरीके से जो है कई सारे बैंकों ने हज़ारों करोड़ में जो है लोन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर ये कंपनियाँ दिवालिया होती हैं टेलीकॉम कंपनियाँ, तो एक बड़ा सा NPA जो है हो जाएगा, फिर जो है बैंकों का लॉस होगा, बैंकों का लॉस भी अल्टीमेटली जनता का ही लॉस होता है, क्योंकि बैंक जो है जनता का ही पैसा लोन में देते हैं, खुद का अपना नहीं देते हैं। तो ओवरऑल जो है लॉस जो है जनता का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, अगर ऐसी कुछ विकट स्थिति में जो है कंपनियाँ जो पहले से हैं वो अगर दिवालिया होती हैं। तो अब क्या ऑप्शन बचता है, क्या इन कंपनियों को मर जाने देना चाहिए? तो अगर मर जाने देना चाहिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अब सरकार के पास भी जो है दुविधा है, अगर वो इनकी मदद करेगी तो विपक्ष वाले सवाल खड़े करेंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की क्यों मदद की जा रही है, और अगर सरकार इनकी मदद नहीं करेगी, मरने देगी, तो फिर विपक्ष वाले ये कहेंगे कि अंबानी को फ़ायदा उठाया पहुँचाया जा रहा है। तो सरकार मदद करे या ना करे, उसको विपक्ष की गालियां सुननी ही पड़ेंगी। तो कुछ ऑप्शन जो सरकार के सामने हैं वो ये है कि बेलआउट पैकेज दे दे, तो ये बेलआउट पैकेज वाले चांस कम है। जनता, पब्लिक का, ओपोजिशन का काफ़ी इस पर विरोध हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियों को आप क्यों बेलआउट कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को क्यों नहीं करते, आप एयर इंडिया को क्यों नहीं करते, इनको क्यों नहीं करते, प्राइवेट को क्यों कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है इस पर खड़ा होगा, तो विरोध होगा। अगला विकल्प जो है सरकार का, और ये सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, कि आने वाले समय के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जो है स्पेक्ट्रम में की जो फीस है उस पर सरकार छूट दे दे, कम ले ले या माफ़ कर दे पूरी तरह से। तो इस तरीके से कुछ राहत जो है सरकार दे सकती है। और साथ में एक और ऑप्शन ये भी है कि जो भी इनको पेमेंट करना है वो इमीडिएटली पेमेंट ना करने की जगह कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का कह दे, या ब्याज जो भी बन रहा है उस पर कोई छूट दे दे। तो इस तरीके के विकल्प जो हैं सरकार के पास हैं। अब कुछ जो है सरकार को स्टेप डेफिनेटली लेने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लेती है, ये कंपनियां दिवालिया होती हैं, तो डेटा के प्राइस, कॉल के चार्ज वो बढ़ेंगे, और इंटरनेट का जो देश में अच्छा खासा पेनिट्रेशन हो रहा है, देश के आम नागरिक तक इंटरनेट पहुंच रहा है, तो वो चीज़ बाहर हो जाएगी। तो डिजिटल इंडिया वाली बातें जो आज हो रही हैं वो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगी, क्योंकि फिर जो है डेटा और इंटरनेट इतना ऐसा सस्ता नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, अदरवाइज समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। तो ये रही मेरी आज की बात, इस पर जो है आप अपने विचार रखिए कि सरकार
एचआर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।